फ्रेंड्स, लौकी की सब्जी जनरली बच्चों से लेके बड़ों तक बहुतों को पसंद नहीं आती, लेकिन आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ लौकी के भरते की, उस तरह से अगर आप लौकी की सब्जी बनाओगे तो उंगलियाँ चाट चाट कर लौकी की सब्जी पूरी ख़त्म कर देंगे। इसे आप लंच या डिनर किसी में भी बना सकते हो। ये रेसिपी एकदम हेल्दी तरीके से मैंने बनाई है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी इस तरह से लौकी का भरता घर पे ज़रूर से बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फटाफट से लौकी का भरता बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ की लौकी ली है और इसको हमें अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है और ऊपर फोर्क या नाइफ की मदद से इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि लौकी है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे लौकी को अच्छे से हम घुमाते जाएंगे इस तरह से और चारों ओर से अच्छे से सेक लेंगे। हम जैसे बैंगन का भरता बनाते हैं उसमें कैसे बैंगन को सेक लेते हैं, वैसे ही हम लौकी को अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हो हमारी लौकी अच्छे से सेक गई है। अब लौकी की ऊपर की जो परत है उसको हम नाइफ की मदद से इस तरह से रब करते जाएंगे और अच्छे से इसे निकाल लेंगे। परत ऊपर की निकल जाएगी। उसके बाद हम इस लौकी को अच्छे से पानी से धो लेंगे। अब लौकी को हम बारीक बारीक काट लेंगे। वैसे तो अंदर से भी अच्छे से ये पक गई है। अब इस चॉप की हुई लौकी को साइड में रख देते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए एक पैन में 4 चम्मच घी डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम सरसों, 1/4 चम्मच जितना हींग और 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड किए हुए प्याज। प्याज हल्की सी नरम हो जाए तब तक इसको शॉर्टी कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड किए हुए टमाटर, 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 3 से 4 लंबी लंबी कट की हुई हरी मिर्च, 3-4 लौंग को हम यहाँ पे हल्का सा कूट कर इसके अंदर डालेंगे। अब इसे 3-4 मिनट के लिए इस तरह से शॉर्टी करेंगे जब तक टमाटर अच्छे से पक न जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमने चॉप्ड की हुई जो लौकी रखी थी उसको, उसे हल्का सा फिर से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जितनी हल्दी। फिर से अच्छे से शॉर्टी कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप जितना पानी और इसको मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 4-5 मिनट के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसे मैश भी कर सकते हो 2 मिनट के लिए और हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हो कि हमारी बढ़िया सी एकदम स्वादिष्ट लौकी का भरता तैयार है। तो आप इसे रोटी, पराठा किसी के भी साथ सर्व करके खा सकते हो। ऊपर से आप इसके ऊपर नींबू का रस भी डाल सकते हो। ये स्वाद में बहुत ही बढ़िया बनती है, उतनी ही ये हेल्दी है। इसे आप लंच या डिनर किसी में भी बना सकते हो। इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।